visit Har Ki Pauri. Meet us. Have a gala time. Mahakumbh is happening. Be safe. सभी महाशय गंगा सभा हरिद्वार के महामंत्री तन्वीर वशिष्ठ जी, यहाँ पर खाने का भी प्रबंध है, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। पुष्प वर्षा से और पंच मेवे से उनका हम स्वागत करते हैं। क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम है अर्षित और फिलहाल मैं हूँ दक्ष मंदिर पर और यहाँ पर निकल रही है धर्मध्वज यात्रा। धर्मध्वज यात्रा क्या है, जैसे आप सभी को पता है हरिद्वार कुंभ नगरी में चल रहा है महाकुंभ 2021। तो अलग अलग तरह के कार्यक्रम यहाँ पर चल रहे हैं स्नान के अलावा, जैसे शाही स्नान हो गए, प्रमुख स्नान हो गए या फिर हो गई आपकी जमात हो गई, और अलग अलग तरह की पद यात्रा ध्वज यात्रा चल रही हैं। तो आज है धर्मध्वज यात्रा गंगा सभा वालों की तरफ से। तो क्या है धर्मध्वज यात्रा, कैसे कैसे होने वाली है, कैसे कैसे इसका रूट रहता है, क्या इसकी हिस्ट्री है, पूरा हम डिटेल में बताएंगे और इसके बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स दिखाएंगे, सीन्स दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। हमारे साथ गंगा सभा हरिद्वार के सदस्य हैं, तो भैया एक बार अपना नाम बताइए। नमस्कार, मैं नितिन शुक्ला, गंगा सभा श्री रजिस्टर गंगा सभा के प्रधान सदस्य तथा हम तीर्थ पुरोहित समाज से हरिद्वार से बोल रहे हैं। आज की जो यात्रा होने वाली है धर्मध्वज यात्रा, उसके बारे में थोड़ा बताएं। आज सभी तीर्थ पुरोहित समाज ने जो है धर्मध्वजा यात्रा निकाली है ब्राह्मणों को तीर्थ पुरोहितों को एकत्र करने के लिए, क्योंकि हरिद्वार की गरिमा गंगा जी से और तीर्थ पुरोहितों से है, तो सभी को एकत्र करने के लिए धर्मध्वजा यात्रा कुंभ के संदर्भ में निकाली गई है, जिसमें सैकड़ों हम तीर्थ पुरोहित सब एकत्र हुए हैं। तो भैया आज की जो यात्रा है धर्मध्वजा यात्रा, उसका महत्व एक बार बताएं। देखिए धर्मध्वजा यात्रा का महत्व ये है कि धर्म जो व्यक्ति है वो अपने हर किसी का एक ना एक धर्म होता है। हम हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं और ध्वजा प्रतीक है एक शौर्य का, वीर का, एक विजय का। तो हम सभी तीर्थ पुरोहित सब एकत्र होकर जिस प्रकार सभी धर्म सभी समाज एकजुट होकर अपना प्रदर्शन करते हैं, शौर्य प्रदर्शन करते हैं, ऐसे ही हमारा तीर्थ पुरोहित समाज एक शौर्य प्रदर्शन कर रहा है इस कुंभ के संदर्भ में, कि सभी तीर्थ पुरोहित समाज एकत्र हैं और अपने धर्म के लिए अटल हैं, धर्म के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं और अपने धर्म की रक्षा के लिए सब एकत्र हैं। वाह भैया, बहुत बढ़िया बताया आपने। अब तो अभी आप लोग सभी लोग स्वागत के लिए खड़े हुए हैं, तो अभी वहाँ से जब यात्रा आने वाली है, तो आपके कौन लोग होंगे जो इनका आप स्वागत करेंगे? देखिए हरिद्वार में तीर्थ पुरोहितों का जो एक कह सकते हैं कि एक नींव है, श्री गंगा सभा के अध्यक्ष महामंत्री तथा गंगा सभा के जितने भी सदस्य हैं तथा तीर्थ पुरोहित आचार्य समाज, इसके जितने भी तीर्थ पुरोहित हैं सभी हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित समाज इसमें भाग ले रहे हैं, तो सभी का हम स्वागत करने के लिए और उनके मनोबल को और बढ़ाने के लिए सब एकत्र हुए हैं। अभी आप देख सकते हैं सभी ये लोग इकट्ठे हुए हैं स्वागत करने के लिए फूलमाला के साथ। अभी वहाँ से यात्रा आने वाली है, तो एक बार जयकारा लगा देंगे गंगे मैया की जय।
तो पूरे कनखलेरे का चक्कर मारते हो। अब हम रामलीला ग्राउंड में जा रहे हैं, मेरे साथ है वासु भाई। तो वासु भाई कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत ही आनंदमय, तो बहुत ही बढ़िया। क्या आपकी पहली यात्रा है? कौन सी है? नहीं, मेरी दूसरी यात्रा है। इससे पहले वाली कौन सी यात्रा थी आपकी? पहली ज्वालापुर थी। ज्वालापुर, और जो परसों यात्रा होने वाली है हरिद्वार की, उसमें जाने वाले हैं? जरूर। अरे तो बहुत मजा आने वाला है, बने रहे। अभी जो रामलीला ग्राउंड में आ चुके हैं, यहाँ का क्या सीन है वो हम दिखाएंगे आपको। तो चलिए चलते हो, अभी हम रामलीला ग्राउंड के अंदर हैं और यहाँ पर खाने का भी प्रबंध है। ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, ऐसा कुछ हमने सोचा नहीं था। तो और आप देख सकते हैं भीड़ कितनी ज़्यादा है और लोगों की जो एनर्जी डाउन हो गई है ना, जयकारे लगा लगा कर पूरा एरिया में घूम घूम कर अभी वो रीगेन कर रहे हैं सभी लोग। तो देखते हैं यार, हम टेस्ट करते हैं या फिर जो लोग टेस्ट कर रहे हैं उनसे पूछते हैं दावत का एक्सपीरियंस कैसा है और यहाँ पर पूरी यात्रा का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो हमारे साथ है गंगा सभा हरिद्वार के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ जी। तो सर, आपका कैसा अनुभव रहा? जैसे अभी समापन की ओर है यात्रा, तो कैसी रही आपकी यात्रा? देखिए, जो 25 तारीख को हमारी धर्मध्वजा यात्रा कुशाघाट से निकलने वाली है, उससे पूर्व कल हमने ज्वालापुर नगर भ्रमण किया और आज हमने कनखल का नगर भ्रमण किया, जो कि दक्ष प्रजापति मंदिर से प्रारंभ होकर आज रामलीला ग्राउंड में समाप्त हुआ। आज एक ऐतिहासिक दिन है, इतनी बड़ी संख्या में आज पुरोहित और ब्राह्मण समाज निकलकर सड़कों पर आया और हर हर गंगे जय माँ गंगे के गूंज के साथ पूरे कनखल क्षेत्र में हमने भ्रमण किया। निश्चित रूप से एक बहुत ही आज भव्य और दिव्य हमारी एक यात्रा रही है माँ गंगा की कृपा से। जो 25 तारीख को हमारी मुख्य ध्वजा यात्रा कुशाघाट से प्रारंभ होकर हर की पौड़ी जाएगी, वो और भी भव्य और दिव्य होगी। सभी माँ गंगा प्रेमी उसमें भाग लेंगे। हम सभी सनातन प्रेमियों के लिए, माँ गंगा के प्रेमियों के लिए ये कुंभ 2021 की एक बहुत ही भव्य शुरुआत है। आप जो भी भक्त माँ गंगा के भक्त इस यात्रा में शामिल हुए, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा और आशा करता हूँ कि 25 तारीख में और अधिक संख्या में श्रद्धालु इस माँ गंगा की धर्मध्वजा यात्रा में सम्मिलित हों, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। और भैया, जैसे अब कुंभ आरम्भ हो चुका है, जैसे तो आने वाले जो श्रद्धालु हैं, जो यात्रीगण हैं, जो हरिद्वार में आने वाले हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए सर्वप्रथम तो हमारा उद्देश्य इस कुंभ को दिव्य, भव्य और सुरक्षित कुंभ बनाना है। जब भी आप अपने स्थान से हरिद्वार के लिए चलें, जो भी सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी हैं उनको पढ़ व समझ कर चलें, जिससे आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। हरिद्वार में उत्तराखंड सरकार द्वारा, शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा और हर की पौड़ी पर हम श्री गंगा सभा की ओर से पूरे इंतजाम जो हैं श्रद्धालुओं के लिए किए गए हैं, जिससे बिना किसी कठिनाई के, बिना सुविधा के श्रद्धालु आकर ब्रह्मकुंड में स्नान कर सकें, पूरी सुरक्षा के साथ स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनका पालन करते हुए सभी गंगा भक्त स्नान भी कर सकें और अपने को सुरक्षित भी रख सकें। बहुत अच्छी सुरक्षा है, बहुत अच्छी तैयारी है हरिद्वार की गंगा सभा और सभी अलग अलग टीम्स ने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। तो ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आएँ और स्नान करें और अलग अलग यात्रा में, अलग अलग यात्राओं में यहाँ पर जुड़ें। अभी हमारे साथ गंगा सभा हरिद्वार के स्वागत मंत्री हैं, आप अपना नाम बताएं भैया। मेरा नाम डॉक्टर सिद्धार्थ चक्रपाणी है। तो जैसे आप स्वागत मंत्री हैं गंगा सभा के, तो जो नागा साधु और जो अलग अलग सिद्ध योगी और साधु लोग आने वाले हैं, उनका किस तरीके से स्वागत और किस तरीके से व्यवस्था होने वाली है हरिद्वार में? देखिए, कुंभ का पावन अवसर है और श्री गंगा सभा और हरिद्वार का तीर्थ पुरोहित समाज, समस्त जो साधु संत हैं, सन्यासी हैं, उनके स्वागत के लिए और जितने भी करोड़ों सनातन धर्मावलंबी हैं उनके स्वागत के लिए हर की पैड़ी सहित पूरा शहर उनके स्वागत के लिए तैयार है। और हर की पैड़ी पर भी हमने जो भी साधु सन्यासी अखाड़े आएंगे उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की हैं। हर की पैड़ी पर पूरा सौंदर्यीकरण नए तरीके से कराया गया है और जब मेन शाही स्नान का जो दिन होता है वो बहुत विशेष दिन होता है। हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता उस दिन इन साधु संतों के रूप में स्नान करने के लिए आते हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि हम उनके स्वागत के लिए लालायित हैं कि ये नहीं पता कि कुंभ के इस पावन अवसर पर कौन से देवी देवता का हमें दर्शन करने को मिल जाए उन साधुओं के रूप में, तो इसलिए उनके स्वागत के लिए हम आतुर भी रहते हैं और लालायित रहते हैं और हर तरीके से तैयार रहते हैं। पुष्प वर्षा से और पंचमेवे से उनका हम स्वागत करते हैं, भस्मी से उन सबका, साधु संन्यासों का हम स्वागत करने के लिए वहाँ पर तैयार रहते हैं और सारी व्यवस्थाएं जितनी भी होती हैं वो श्री गंगा सभा रजिस्टर हरिद्वार की ओर से वहाँ पर की जाती हैं। अभी हमारे साथ है गरिमा भारद्वाज, इनके फादर हैं अशोक नाथ भारद्वाज। तो ये एक टीवी एक्ट्रेस रह चुकी हैं, एक नेशनल अवार्डी रह चुकी हैं। तो मैम, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? व्हाट्स योर टोटल एक्सपीरियंस फॉर दिस यात्रा? आई थिंक इट्स ब्रिलियंट, इट्स फैबुलस, इट्स माइंड ब्लोइंग, इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड। The number of people turned up here is immense. I think it's more than 1,000 people here. So it's very overwhelming. It's very motivating. People are lovely and
and the food is great, and you know, it gives a lot of motivation with these kind of yatras, because they inbuilt our confidence and our belief in our culture. And yeah, what message you want to convey to your fans who are seeing this video? It's a fan is a very big word. I think they're just people, and it's a very mutual feeling. We love them, they love us, and just be there. I'll just say be there. Be there, come to Haridwar. Come to Haridwar, visit Har Ki Pauri, meet us, have a gala time. Mahakumbh is happening. Be safe. And just enjoy the Mahakumbh. Absolutely. Come to Har Ki Pauri, see Ganga Aarti. It's beautiful, beautiful aarti. And beautiful religion, man. Beautiful Sanatan Dharma. Absolutely. Don't even get me started on that. I'm obsessed with Sanatan Dharma. I also respect other religions. I believe in equality, but definitely I love my Sanatan Dharma. Yeah. तो ये था कनकल क्षेत्र की धर्म ध्वज यात्रा का पूरा व्लॉग, पूरा मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत सारे लोग थे यहाँ पर, बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर जुड़े। अब अभी देख सकते हैं मेरे पीछे कितने सारे लोग अभी भोजन कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। तो अमेजिंग था एक्सपीरियंस। तो आगे आने वाली जो भी यात्रा है, जो भी स्नान है या जो भी जमात हैं, उनकी सभी के हम व्लॉग्स हम लेके आने वाले हैं इसी चैनल पर। ऐसे ही हरिद्वार से रिलेटेड, कुंभ मेले से रिलेटेड और जो भी स्नान, जो भी यात्रा है, उन सभी से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे आने वाली हैं। चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन कर दबा दो। और मैं अर्षद आपको मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारी अदर वीडियोज़ को चेकआउट करें, हमारी प्लेलिस्ट को चेक करें। जय गंगे मैया।